हेलो गाइस, क्या आप भी सीखना चाहते हो HTML लैंग्वेज और डिज़ाइन करना चाहते हो वेब पेजेस, लेकिन यहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर में ये HTML क्या है, HTML वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, CSS क्या है, इनलाइन CSS हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल CSS हो गया, ये क्या है, इनका क्या यूज़ है, कैसे अप्लाई करते हैं, HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे ऐड करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, TR क्या है, TD क्या है, ये सब आप HTML में जानना चाहते हो, सो डोंट वरी, ये वीडियो एक HTML बिगिनर वीडियो है, उन यूजर्स के लिए है जिनको HTML के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, या फिर वो HTML अभी सीख रहे हैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज में, और उनको थोड़ा बहुत डाउट है, उनको फॉर्म डिज़ाइन करना नहीं आता, उनको CSS अप्लाई करना नहीं आता, उनको HTML के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में ये वीडियो उनके लिए यकीन मानिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊँ वो नोट कर लेना अपने हिसाब से, और उसके बाद इसे प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप बहुत आसानी से HTML वेब पेजेस बनाना सीख जाओगे, CSS अप्लाई करना सीख जाओगे, फॉर्म बनाना तो यू चुटकियों में सीख जाओगे, और उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि वाकई में आप HTML सीख गए हैं। देखो यार, यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ, जो कुछ भी आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप उसे ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, और उसे प्रैक्टिकली खुद घर पर ट्राई नहीं करोगे, तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ, भगवान भी आके आपको HTML नहीं सिखा सकता। इसलिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ भी सिखाने वाला हूँ, उन सभी एक एक बातों को ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखना, अगर आप वाकई में HTML सीखना चाहते हो, और उसके बाद इसे नोट कर लेना और प्रैक्टिकली ट्राई करना, आई एम श्योर आप जरूर HTML सीख जाओगे। आई नो यार, मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया है, अब आते हैं हम अपने सीधे मेन टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, हो सके तो इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ, अपने कॉलेज मेट के साथ, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जो कोई भी आपके नज़र में है जो HTML सीख रहा है, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, हो सकता है यार उनको मदद मिल जाए, वो लोग भी अच्छे से HTML सीख जाए, और हो सके तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे ये वीडियो उतना ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगा, उतने लोग HTML सीख पाएंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप वहां पे जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम है मनोज सारू, और हमेशा की तरह आप सभी का टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में स्वागत है। देखो, यहां पर आपको HTML सीखने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में ये HTML है क्या और इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर सिंपल मैं कहूँ तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन्हें आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को पता ही होगा कि एक वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया, जैसे कि फोटोज़, वीडियोज़। जी हाँ, तो वहाँ पर जितने भी वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो जो वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं वो बेसिकली आप आसानी से यहाँ पर HTML की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर आपने किसी वेबसाइट को ओपन करा, तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको होम पेज दिखाई देता है, तो वो एक वेब पेज हो गया, और उसके अंदर जो भी आपको लिंक्स मिलेंगे, आप जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे वो लिंक उससे कनेक्टेड है, वहाँ पर लिंक किया गया है, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरा वेब पेज हो गया, उसके बाद उसी दूसरे वेब पेज के अंदर वहाँ पर और भी कई सारे लिंक होंगे, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो एक तीसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह पर वहाँ पर कई सारे जो वेब पेजेस होंगे उनके लिंक जो है वो कनेक्टेड होंगे, और जैसे आप उन पर क्लिक करते हो तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। तो ये जो सारा जो वेब पेज होता है वो एक दूसरे से लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है, और इस तरह से जो वेबसाइट है वो कंप्लीट डिजाइन होता है, कंप्लीट बनता है। तो सेम इसी तरह से दोस्तों यहां पर ये जो भी वेब पेजेस हैं, एक दूसरे को लिंक करना, वेब पेजेस डिजाइन करना, उसमें टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, कैसे कलर है, ये सारा का सारा आप बहुत ही आसानी से HTML की मदद से डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर HTML में आपको ये सब करने के लिए, यानी कि एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए और उसे लिंक करने के लिए, यहां पर आपको कई सारे टैग्स की जरूरत होती है। यहां पर आपको HTML वेब पेज बनाना है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे इमेज डालना है वहां पर, कैसे लिंक डालना है, तो यहां पर इन सभी चीजों के लिए यहां पर आपको
टैग्स की ज़रूरत होती है। अब आप बोलोगे यार ये टैग्स क्या है, तो सिंपल भाषा में कहूँ तो टैग्स ये एलिमेंट होते हैं, या फिर आप सिंपल सोच लो ये एक नाम है जहाँ पर एक टैग्स का, हर एक टैग्स का काम होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको हेडिंग देना है, अगर आपको वहाँ पर इमेज ऐड करना है तो ये IMG टैग हो गया। ऐसे कई सारे टैग्स हैं, और मैं यहाँ पर आपको फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि यहाँ पर HTML का जो पूरा फंडा होता है, ये HTML का पूरा जो काम होता है यहाँ पर टैग्स का ही होता है। जी हाँ, अगर आपको पता चल गया कि ये टैग्स कौन सा है, किसका क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको HTML जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वेब पेजेस क्या होते हैं, HTML क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोई एक टैग नहीं है, 10-15 नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो में बता दूँ, यहाँ पर कई सारे टैग हैं। और एक वीडियो में उन सभी टैग के बारे में एक्सप्लेन करना, उन सभी को प्रैक्टिकल के साथ दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे कोडिंग कर सकते हो एक एक करके, और कौन सा टैग किसके अंदर आप डाल सकते हो। यहाँ पर कुछ बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ, और इन टैग्स के यूज़ से, इन टैग्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कोडिंग कर सकते हो, किस तरह से आप वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो। तो यहां पर हम कुछ सिंपल से टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं और उनका यूज करने वाले हैं। जैसे क्या हो गया, हेड टैग हो गया, ये बॉडी टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, IMG टैग हो गया, लिंक टैग हो गया, और भी कई सारे जो बेसिक टैग है जो आपको एक सिंपल सा वेब पेज डिजाइन करने के लिए चाहिए होता है, उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार टैग्स कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आप किसी भी किताब में, कोई भी किताब आपके पास हो जो आपके स्कूल से मिला हो, कॉलेज से मिला हो, या फिर कोई भी किताब आप HTML की खरीद के, वहां पर आप जो कुछ भी टैग है उन सभी के बारे में पढ़ के, उन सभी को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको टैग्स अप्लाई करना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है, इनका क्या यूज़ है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिसके बाद आपके जो सारे डाउट्स हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है डॉग टाइप। जी हाँ, यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में डॉग टाइप लिखना होता है, और उसके बाद HTML लिखना होता है। इसका क्या यूज़ है, वेल ये आपको बताता है, वेब ब्राउजर को ये बताता है कि आपका जो वेब पेज है या फिर कह लो जो HTML वर्जन है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल HTML 4 है, HTML 5 है, तो यहां पर ये जो सब चीजें है वो बेसिकली ये डॉग टाइप वर्जन बताता है। यहां पर आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप HTML वेब पेज बनाओगे, कोडिंग स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको वहां पर ऊपर में यही जो एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉग टाइप और HTML लिख देना है। बस आपको यही याद रखना है, आपको HTML कोड से पहले जहाँ से आपका हेड टैग स्टार्ट होगा, जहाँ से आपका जो HTML टैग है वो स्टार्ट होगा, उससे ऊपर टॉप पे आपको हमेशा ये डॉग टाइप लिखना ही होगा। बस ऐसा समझ लो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है, बस इतना सा याद रख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है जो कि है HTML टैग, वेल ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी आप किसी भी एक HTML वेब पेज में डॉग टाइप डिक्लेयर करते हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आपको यूज़ करना होता है वो होता है HTML टैग। जी हाँ, यहाँ पर आपको HTML ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों लिखने होते हैं, और इसके अंदर आप जो कुछ भी कोडिंग करोगे, यानी एक वेब पेज में जो कुछ भी कोडिंग करोगे, चाहे वो बॉडी टैग डालना हो, इमेज टेबल क्रिएट करना हो, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर इस HTML ओपन और क्लोज टैग के अंदर लिखना होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये टैग यूज़ क्या करता है, बेसिकली इसका ये यूज़ है, ये आपके वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि आपका जो ये फाइल है, जो आपने बनाया है HTML फाइल, वो एक तरह का HTML फाइल है। तो इसी के मदद से ये वेब ब्राउज़र समझ पाता है, तो इसी HTML ओपन और क्लोज टैग के अंदर जो सारा कोड है वो लिखा जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और हमेशा जो डॉग टाइप डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर HTML ओपन और क्लोज टैग जरूर डालना होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो है हेड टैग। अब ये हेड टैग क्या, वेल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और इसका भी एक्चुअल यूज आपको जरूर पता होना चाहिए। हेड टैग बेसिकली एक तरह का कंटेनर होता है। अब कंटेनर का क्या मतलब होता है, जिसमें आप कई सारी चीज़ों को डाल के सेव करके रख सकते हो या फिर कई सारी चीज़ों को एक साथ डाल सकते हो, सेम यहाँ पर हेड टैग का भी यही काम है। हेड टैग एक तरह का कंटेनर है जहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को, कई सारे कोडिंग्स को डाल सकते हो। जैसे कि आपको हेड टैग में जो भी टाइटल है उसे चेंज करना है,
है। हेड टैग में आपको यहाँ पर CSS अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर आपको हेड टैग के अंदर डालना होता है, या फिर आपको किसी भी तरह का स्क्रिप्ट फाइल बनाना है HTML के लिए, तो यहाँ पर आप वो स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर हेड टैग के अंदर डाल सकते हो। तो बस आपको यहाँ पर एक ये याद रखना है कि हेड टैग एक तरह का कंटेनर होता है जहाँ पर आप कई चीज़ों को डाल सकते हो, जैसे टाइटल टैग हो गया, स्क्रिप्ट फाइल हो गई, या फिर CSS फाइल हो गया। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको CSS समझाऊंगा, इंटरनल CSS समझाऊंगा, तब आपको वहाँ पर वो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी कि मैंने ये क्यों कहा था, हेड टैग क्या होता है। इसके साथ यहाँ पर हमें भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हेड टैग का प्रैक्टिकली, उसके बाद भी आपका जो डाउट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा हेड टैग को लेके। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है बॉडी टैग। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML वेब पेज का, जहाँ पर आप जो कुछ भी अपने वेब पेजेस में दिखाना चाहते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर आप बॉडी टैग के अंदर आपको ये कोडिंग करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो बॉडी टैग है वो बेसिकली यहाँ पर आपको HTML टैग के अंदर ही लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको एक वेब पेज में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो पैराग्राफ हो गया, लिंक हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर एक बॉडी टैग के अंदर ये जो सारी कोडिंग है वो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा देख लो कि एक वेब पेजेस में आपको जो कुछ भी दिखा जाता है वो सारा का सारा एक बॉडी टैग के अंदर जो कोडिंग है उसकी कोडिंग लिखी जाती है। इतना सा सिंपल बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अभी हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यार देखो, यहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पर ये एक टैग नहीं है, कोई गिने चुने टैग नहीं है, यहाँ पर कई सारे टैग है। एंकर टैग हो गया, लिंक टैग हो गया, इमेज ऐड करने के लिए IMG टैग हो गया, वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो टैग हो गया, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग हो गया, और साथ में यहाँ पर और भी कई सारे टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग हो गया, कई सारे टैग है। यार एक वीडियो में उन सभी टैग को एक एक करके एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ये आप सभी लोग भी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर बस मैं आपको टैग कैसे यूज़ करना है, जो भी मैंने अभी समझाया उन टैग्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप जितने भी टैग्स होंगे, जैसे कि आप आगे जाके जो भी टैग्स पढ़ोगे इस वीडियो कोर्स के बाद, वो सारे के सारे टैग्स को अगर आपको उनका यूज़ पता चल गया तो आप उन्हें आसानी से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, एक वेब पेज में यूज़ करना, ऐड करना, वो सब आप आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए एक सिंपल सा छोटा सा वेब पेज बनाते हैं, कैसे आप HTML वेब पेज बना सकते हो, कैसे उसे एक्सटेंशन दे सकते हो, कैसे उसमें कोडिंग कर सकते हो, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो सब सीख लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा एक HTML का वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, एक वेब पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर एक HTML वेब पेज बनाने के लिए आपको नोटपैड ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं, या फिर आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली नोटपैड को ओपन कर लिया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है, जो भी HTML वेब पेज बनाना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक HTML वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा ये ऐसे एंगल लिख के यहाँ पर आपको डॉक टाइप लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल HTML लिख के इसे यहाँ से ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कहा था जो कुछ भी आप कोडिंग लिखोगे वो सारा का सारा यहाँ पर HTML टैग के अंदर होगा। तो यहाँ पर डॉक टाइप के बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है HTML। तो यहाँ पर हमने ये HTML लिखा, ये हो गया ओपन टैग। इसका एक क्लोज टैग ज़रूर लिखना होता है, हमेशा याद रखें जो भी टैग आप यूज़ करोगे उसका क्लोज टैग ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हमने ये क्लोज लिख दिया। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे क्लोज टैग, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे ओपन टैग। क्लोज टैग को यहाँ पर ऐसे इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो हम इसे सिंपल सा नीचे ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका जो HTML का जो कुछ भी कोडिंग होगा वो सारा का सारा यहाँ पर इसके अंदर होगा, यानी इस HTML टैग और इस HTML क्लोज टैग के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक हेड टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा ये हेड टैग लिख लिया, और उसके बाद इसका भी एक क्लोज लगा दिया। ध्यान रहे हर किसी का एक क्लोज आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने ये हेड टैग लगा दिया, उसका क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसके अंदर ये एक तरह का कंटेनर होता है जहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हो, CSS फाइल डाल सकते हो, या फिर कह लो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी सिंपल फिलहाल के लिए हम बेसिक के लिए यहाँ पर एक टाइटल टैग डाल देते हैं। तो टाइटल देने के लिए हम सिंपल सा टाइटल टैग लेंगे इसके अंदर, देखिए उसके लिए हम लिखेंगे TITLE टाइटल, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कुछ भी देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको देना है फर्स्ट, यहाँ पर आपको देना है हेलो, हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, ये एक आपका टाइटल देना है, या फिर इसकी जगह पे मैं अपना सिंपल सा नाम लिख देता हूँ। चलो ये मैंने लिख दिया अपना नाम, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल सा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ये हो गया ओपन टैग, अब तो इसका क्लोज भी डालना होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया TITLE, ये टाइटल, ये क्लोज टैग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लोज टैग ये रहा और इसका क्लोज टैग ये रहा, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है बॉडी टैग, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था बॉडी टैग, तो ये बॉडी टैग हम लिखेंगे और इसका जो भी क्लोज टैग है ये हमने बॉडी का क्लोज टैग लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हम कोडिंग करेंगे वो सारा का सारा आपको जो भी वेब पेज है उसके अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो पैराग्राफ के लिए एक टैग है पी, ठीक है, पी लिखा और यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा, हेलो माय नेम इज मनोज सारू, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ का क्लोज टैग, तो ये एक पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पर आप दूसरा ले सकते हो, पी लिख के माई, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लीज़ लाइक लाइक दिस वीडियो, ये हमने लिख दिया और इसका क्लोज टैग लगा दिया, तो ये पैराग्राफ हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालना है, तो यहाँ पर हेडिंग के लिए होता है H1 टैग, H2 टैग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर जो हेडिंग के टैग होते हैं वो बेसिकली 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी टैग को लेता हूँ, ये मैंने H1 ले लिया और इसके अंदर लिख दिया फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ध्यान रहे हर किसी का आपको क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है हर टैग का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सिंपल इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये जस्ट ताकि टाइम बच सके। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल सा चेंज कर देता हूँ, H2 हो गया ये और ये H2 हो गया, इसी तरह यहाँ पर मैं ये H3 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये हेडिंग से क्या डिफरेंस आएगा आपको, H1 H2, और यहाँ पर 4 डाल दिया और यहाँ पर 4, तो इस तरह से 6 हेडिंग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसको आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर H6 H1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपने H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आपका एक सिंपल सा एक जो वेब पेज है वो रेडी हो चुका है, जिसका जो हेड टैग में जो भी टाइटल होगा वो होगा मेरा नाम मनोज सारू, उसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग दी होंगी। तो अब आप इस फाइल को सेव करना है, इसे एक HTML बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर आपको फाइल पर जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और उसके बाद फाइल को जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पर आपको, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर फाइल का जो कुछ भी नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं फाइल, यहाँ पे HTML फाइल 1 दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको डॉट डाल के HTML लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एज अ टाइप को सेलेक्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स क्लिक करना है। यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, फाइल नाम आप जो कुछ भी दे सकते हैं, जो कुछ भी आपको फाइल नाम देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉट लिख के HTML ज़रूर लिखें, उसके बाद यहाँ पर सेव एज अ टाइप में ऑल फाइल को सिलेक्ट करें और उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करें। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है हमारे सामने आ चुका है और ये रही कोडिंग। अब जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करोगे, अगर ओपन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ पे जाके यहाँ पर आपको सिंपल सा गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपका ब्राउजर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये फाइल ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही आपकी हेडिंग H1। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर कोड दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो आपने कोड लिखा था H1 येरा, H2 येरा, H3 येरा, H4 येरा, H5 येरा, H6 येरा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ये बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। और उसके बाद जो भी आपने पैराग्राफ लिखे थे, देखिए ये जो पैराग्राफ आपने लिखे थे वो येरे, हेलो माय नेम इज, और यहाँ पर जो भी आपने टाइटल लिखा था, देखिए टाइटल येरा मनोज सारू, ये टाइटल बेसिकली येरा, ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ये टाइटल है। तो ये एक सिंपल सा HTML फाइल है जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप ये कोडिंग कर सकते हो, कैसे कोडिंग लिखने का तरीका होता है, कैसे आप कोडिंग ऐड करते हो, कैसे आप टैग यूज़ करते हो। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए
बहुत सारे टैग होते हैं, मैंने आपको बताया कोई एक टैग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप एक इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा एक कोड है IMG टैग, ठीक है। IMG टैग आपने टाइप करा, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है सोर्स। सोर्स का जो शॉर्टकट है वो है SRC, सोर्स लिख के यहाँ पर इक्वल साइन लगा के यहाँ पर आपको डबल कोट लिख के इसके अंदर जो भी आपके इमेज का जो भी लोकेशन है, जो भी URL है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे इमेज का नाम है मनोज सारू और .png, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब, मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया। देखिए ये रहा, ये इमेज है, ये मनोज सारू .png, ये एक इमेज है। आप इन दोनों के बीच में वहाँ पर वेब ब्राउज़र में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इस टैग को क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, IMG टैग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा जो इसका सिंटैक्स है वो आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर IMG लिखना है, SRC लिखना है और जो कुछ भी इमेज का सोर्स है, ध्यान रहे यहाँ पर ये जो इमेज है और ये दोनों फाइल है ये सेम लोकेशन पे है, तो यहाँ पर आपको पूरा जो पाथ है, पूरा जो लोकेशन है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा इसका नाम लिख दीजिए और जो भी फाइल फॉर्मेट है, जैसे PNG है तो PNG लिख दीजिए। यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट पता करना है तो सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा PNG, देखिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए ये जो इमेज है वो दूसरे लोकेशन में है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर देखिए ये लोकेशन आपको दिख रहा है, इस लोकेशन को कॉपी करना होगा और इसके आगे स्लैश लगा के ये आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्लैश लगा के, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस फाइल को हम सिंपली यहाँ से सेव करते हैं। ध्यान रखें जब भी आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर बार फाइल को सेव करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से अपने उस वेब पेज को खोलते हैं। देखिए येरा, अब हमने यहाँ पर ये इमेज जो है वो ऐड करा है इसके टैग यानी ये हेडिंग टैग और ये पैराग्राफ में, ठीक है। तो इनके बीच में आना चाहिए इमेज, तो चलिए हम इसे रीलोड करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने रीलोड करा तो ये जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको इनके साइज छोटे बड़े करने हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी या फिर कह लो एट्रीब्यूट्स यूज़ करना होगा। हाइट ये हमने डाल दिया 50, ठीक है, और उसके बाद विड्थ डाल दिया WIDH विड्थ, ये डाल दिया हमने 50, और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सा इस फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर रीलोड करते हैं तो ये जो इमेज है वो देखिए छोटा हो गया, देखिए कितना छोटा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी इमेज का जो भी साइज़ है, जो भी इसे बॉर्डर देना चाहते हो, जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो आप वीडियो टैग यूज़ करोगे। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आपको ऑडियो ऐड करना है तो आप ऑडियो टैग यूज़ करोगे। इस तरह से यहाँ पर आप कई सारे जो टैग है वो यूज़ कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इमेज को कहाँ पर, उस चीज़ को कहाँ पे दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा आप चाहते हो इस हेडिंग के ऊपर हो तो सिंपल सा आपको इस टैग को कॉपी करके यहां पर लिख देना है। उसके बाद फाइल को सेव करके रीलोड करेंगे तो आपको सेम वो जो इमेज है वो दिख जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं दोबारा से सेम वैसे ही कर देता हूं, इमेज को दोबारा से बड़ा कर देता हूं ताकि यह और सही दिखे। ये मैंने सेव कर दिया और उसके बाद रीलोड करेंगे तो देखिए इमेज बड़ा हो गया। तो ये जो इमेज है मेरे इंस्टाग्राम का है और इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो जाओ फॉलो कर लेना। यहाँ पर मनोज सारू नाम है, ये ID है और जो भी आपके सवाल है वो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो देखा आपने एक HTML पेज बनाना कितना सिंपल है। इसी तरह आप इसमें कई सारे और कोडिंग कर सकते हैं, कई सारे टैग को और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक HTML पेज कैसे बनाते हैं, इसके अंदर आप टैग्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया IMG टैग यूज़ करके, पैराग्राफ लिख के भी दिखा दिया, हेडिंग्स यूज़ करके भी मैंने आपको दिखा दिया और उस इमेज के साइज़ को कैसे छोटा करते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से, जैसे हाइट विड्थ हो गया, ये सब आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह दोस्तों यहां पर आपको और टैग्स के बारे में भी अच्छे से जानना होगा, उनका यूज जानना होगा। यहां पर आपको अब यूज तो करना आ गया होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस काम आता है। तो आपको एक एक करके सारे जो टैग्स है वो सभी को अच्छे से जान लेना है, उनका यूज जान लेना है, उसके बाद आप उन टैग्स को ऐसे ही यूज कर सकते हैं। यहां पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा फिर से कि देखो इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में उन सभी टैग्स को पूरे को एक सिंगल साथ उनका यूज, उनका प्रैक्टिकली यूज करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर बस मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि टैग्स होते क्या है, कैसे यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपको जरूर आनी चाहिए, वो है टेबल क्रिएट करना। जी हां,
आपने देखा होगा इंटरनेट में कई सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जहाँ पर आपको टेबल बना के दिखा जाता है, जहाँ पर नाम होता है, हेडिंग्स होते हैं, वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना भी बहुत आना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है, और हर HTML यूज़र को टेबल के बारे में एकदम क्लियर डाउट पूरा होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा अब, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए आप बॉडी टैग में अगर आपको टेबल यूज़ करना है, टेबल बनाना है, तो यहाँ पर इसके लिए आप सिंपल सा टेबल टैग का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर इसके और भी टैग है, जैसे कि हो गया TR टैग। जी हाँ, TR टैग का इस्तेमाल बेसिकली आप रो को क्रिएट करने के लिए बनाते हो। जैसे एक टेबल होता है ना, टेबल में जो रो होता है, तो उस रो में जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो, जो भी रो क्रिएट करना चाहते हो, तो उसे आप यहाँ पर TR टैग की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर TR टैग के अंदर आपको एक TH यानी टेबल हेडिंग टैग भी डालना होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है इसी टेबल टैग के अंदर, वो है TD टैग। जी हाँ, TD टैग बेसिकली होता है कॉलम के लिए। अगर आपको एक टेबल में जो भी वैल्यूज़ है वो कॉलम वाइज ऐड करना है, एक करके, दो करके, तीन करके, मतलब कॉलम वाइज ऐड करना है, तो यहाँ पर आप TD यूज़ करेंगे। तो हमेशा बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, TR मतलब रो के लिए होता है और TD होता है कॉलम के लिए, ये बस आपको याद रखना है इस टेबल टैग के अंदर। चलिए मैं आपको अब सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपके जो सारे डाउट्स है इस टेबल टैग को लेके वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, और आप भी चुटकियों में जो टेबल है HTML के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा मैं ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ रखता हूँ, हेडिंग वन रखता हूँ, इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये मैंने पैराग्राफ को भी हटा दिया, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर मैंने हेडिंग रखा है, और यहाँ पर हम एक मार्कशीट लिख देता हूँ मैं, ये मैंने मार्कशीट लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सा एक मार्कशीट टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे आप बॉडी टैग के अंदर यूज़ करोगे, तो बॉडी टैग के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज़ करना होगा। तो ये रहा TABLE टेबल टैग, ठीक है। और उसके बाद इसे यहाँ पर बंद कर दिया, और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर हमें जो कुछ भी कोडिंग करनी है टेबल टैग क्रिएट करने के लिए, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेबल टैग के अंदर दो पॉपुलर टैग है, जो कि है TR जो कि है टेबल रो, और TD जो कि है टेबल डेटा। मतलब रो क्रिएट करने के लिए आप TR टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी डेटा आपको फिल करना है, या फिर कह लो कॉलम में डेटा डालना है, उसे आप बेसिकली TD के तरफ यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा TR मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया टेबल रो, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए हमें हेडिंग देनी है, ठीक है। हम तीन रो क्रिएट करेंगे, जहाँ पर पहले रो में होगा ये हमने टेबल हेडिंग के लिए TH लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर पहले लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। मार्कशीट बना रहे हैं हम, और ये TH बंद कर दिया। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं आपको हर बार बताता हूँ, जिसका भी ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोज टैग होता है, लेकिन कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिन्हें आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से ये मैंने TH लिख दिया, एक टेबल हेड, तो ये एक रो बन जाएगा, एक रो बन जाएगा। इसके बाद दूसरा रो यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम ये सिंपल से लिख देते हैं, चलो इसे भी यहीं पे नीचे ले आते हैं, ये लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया TH, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स लिख देते हैं यहाँ पर, और ये हमने TH लिख के बंद कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट एक और टैग ले लेते हैं TH, और ये ले लेते हैं हम हिंदी, तो ये है टेबल की हेड, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे सेव करूँगा, देखिए चलो मैं इसे यहाँ पे सिंपल सा सेव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसे सिंपल ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक हेडिंग लिखा हुआ रहा है, मार्कशीट, और यहाँ पर ये जो तीन रो है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा इसे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देना है, टेबल में बॉर्डर भी ज़रूरी होता है, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, या फिर कह लो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर। तो ये सब आपको बुक में मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे, बस मैं आपको यहाँ पर यूज़ सिखा रहा हूँ। तो ये बॉर्डर लिख के यहाँ पर हमने वन दे दिया, ठीक है। तो ये वन देने के बाद मैं सेव कर देता हूँ, तो देखना इसके इनके जो यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा, जिससे आपको ये एक तरह से टेबल लगेगा। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, मैंने सेव कर दिया, इसे रीलोड करता हूँ, तो देखिए
यहाँ पर ये जो बाउंड्री है वो क्रिएट हो गई है। इस बाउंड्री को आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो CSS की मदद से, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीन रो हैं, एक रो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी है, यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी है, यहाँ पर एक वैल्यू करनी है। तो इसके लिए हम बेसिकली TD टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा, हमेशा ध्यान रहे यहाँ पर आपको ये TR टैग के अंदर ही लेना है। तो ये हमने टेबल रो लिया एक, ये पहला था देखिए इस रो को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और दूसरा, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो टेबल रो लिया था हमने, ये बेसिकली इस लाइन के लिए था, ये जो लाइन ऐसे जाएगी इस लाइन के लिए था। इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर सिंपल सा TR लेना है। और हमेशा याद रखना, हमेशा आप TR के अंदर ही TD टैग को यूज़ करोगे। तो इसका मैंने क्लोजिंग टैग बना दिया, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको TD टैग यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये TD यूज़ करा, TD में हमने यहाँ पर डाल दिया 80, ठीक है, सॉरी ये हमने डाल दिया 80, और इसका क्लोजिंग टैग कर दिया TD, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है TD, देखिए TR टैग के अंदर टेबल रो, तो इसका जो पहला जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगा, इंग्लिश में, इंग्लिश के जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम हम यही टैग लिख के यहाँ पर दो और कॉपी कर देते हैं टाइम बचाने के लिए, ये हमने, ठीक है। और इसमें मार्क्स कर दिया हमने 33 कर दिया, और इसमें हमने मार्क्स कर दिया यहाँ पर 40 कर दिया। तो देखिए ये जो पहला वाला TR के अंदर ये जो TD टैग है, पहला वाला ये वाला जो टैग है ये हमें इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये जो दूसरा TD टैग है ये मैथ्स के नीचे आ जाएगा, और ये जो तीसरा टैग है ये आ जाएगा हिंदी के नीचे। तो इस, तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा TD टैग के अंदर ही, सॉरी TR टैग के अंदर ही आपको TD टैग यूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल से सेव कर देते हैं और रीलोड करेंगे, तो देखना ये जो तीनों वैल्यू है ये इनके नीचे आ जाएगी एक एक करके। तो देख सकते हैं आप ये आ चुका है रीलोड करने पर, ठीक है। तो इसी तरह आपको और वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसके जस्ट नीचे और वैल्यूज़, अगर आप यहाँ पर दूसरा वैल्यू डालोगे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप TD लिख के एक और वैल्यू डालोगे 20, तो आप देखना ये वैल्यू कहाँ पे आएंगे, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। तो ये जो तीसरा, अब देखो यहाँ पे तीसरा रो तो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर एक तीसरा रो क्रिएट हो जाएगा नीचे, जहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 20। देखिए मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक 20 वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप वैल्यू ऐड करोगे, अब सेम आपको यहाँ पर और इनके नीचे वैल्यू ऐड करनी है, इसके नीचे एक वैल्यू ऐड करनी है, इसके नीचे एक वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप TR TD टैग को सिंपल सा, इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ये वाले को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप सेम इसको कॉपी कर लेना, और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना जितने आप यूज़ करोगे, देखो यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज कर दी, 2 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 3 ये कर दिया, 400 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये 180 ऐसे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दिए, और उसके बाद ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कॉलम और ऐड किए हैं, देखिए दो कॉलम। तो ये जो दो वैल्यू है, पहली वाली ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, इसकी ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अब हम इसे सिंपल सा सेव करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कॉलम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर कॉलम में ऐड करने के लिए आपको हर एक TR टैग लेना होगा, और उसके अंदर TD टैग लिखना होगा, और इसके बाद जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है वो आपको यहाँ पर TD टैग के अंदर लिखना होगा। तो इस तरह से आप कॉलम वाइज ऐड करते जा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है, कैसे आप टेबल टैग की मदद से इसके अंदर TR टैग यूज़ करके, TD टैग यूज़ करके बहुत ही आसान से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर। तो आपने देखा ये कितना आसान है। सिर्फ इसी तरह दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए HTML में, जो कि है फॉर्म क्रिएट करना। जी हाँ, आपने देखा होगा इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, जहाँ पर आपसे डेटा भरवाया जाता है, आपसे टैक्स भरवाया जाता है, आपका पासवर्ड लिया जाता है, ईमेल आईडी लिया जाता है, और वहाँ पर आपको सामने सबमिट बटन भी दिखाई देता है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका जो डेटा है वो चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये सब चीज़ क्रिएट करना है, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो सब भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर HTML की मदद से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर HTML में फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज़ है और कई सारे टैग है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल से टैग बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कोई वैल्यू लेना है यूज़र से, यानी आप उससे कोई वैल्यू ले रहे हैं, पासवर्ड टाइप करवा रहे हैं, टेक्स्ट टाइप करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक टैग है जिसका नाम है इनपुट। जी हाँ, इनपुट ऐसा टैग है जिसकी मदद से आप जो भी यूजर से जो भी टेक्स्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको किसी का नाम डलवाना है, किसी की थोड़ी सी जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर आप इनपुट लिखोगे, टाइप लिखोगे और उसके बाद लिखोगे टेक्स्ट, क्योंकि आप टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप में लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप यूजर से पासवर्ड ले रहे हो, जो कि पासवर्ड दिखाई नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। या फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई ऑप्शन सिलेक्टेड लेना चाहते हो, जैसे कि वो जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, तो यहाँ पर आप रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से आप कोई सा एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन का मतलब यही होता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई जगहों पर आपको जेंडर दिया जाता है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप मेल को क्लिक करते हो तो मेल सिलेक्ट हो जाता है, फीमेल ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के बटन भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सबमिट बटन बटन बनाना है, तो वो भी आप ये सब कर सकते हो। तो सिंपल सा इसके लिए सबमिट टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो सिंपल सा प्रैक्टिकल करते हैं, तभी आपको ये इनपुट क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, टाइप क्या होता है, वो सब अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर आप एक बार बुक में ज़रूर देख लेना कि फॉर्म में जितने भी टैग्स होते हैं उनका क्या यूज़ है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर बस मैं आपको बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ, ताकि आप एक सिंपल सा टैग क्रिएट करना सीख जाओ और कैसे और फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सब सीख जाओ, ताकि आपके जो भी बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं फॉर्म को लेके, वो सब तो आप आसानी से खुद ही कर लोगे, अगर आपका एक बार ये जो सारा डाउट्स है फॉर्म को लेके वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आखिर में फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आप चाहे तो इसके जस्ट नीचे टेबल टैग के जस्ट नीचे से यहाँ से भी कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर, ये देखिए ये रहा क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल से इसे डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। और यहाँ पर सिंपल सा एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ H3। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें एक हेडिंग दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है फॉर्म, और इसका क्लोजिंग टैग लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म। ये हो गया। अब इसके अंदर हमें जो भी कोडिंग है वो हमें यहाँ पे करनी होगी, तो मैं इसे सिंपल से एंटर करके नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पर हम जो भी कोडिंग लिखेंगे फॉर्म की वो होगा। अब यहाँ पर हमें यूज़र से वैल्यू लेना है, टेक्स्ट फॉर्म में लेना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा टाइप, ये होगी इसका एट्रीब्यूट या फिर कह लो प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल कोट में लिखना होगा टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसे सिंपल सा क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सिंपल सा सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके आगे अभी कोडिंग करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर इनपुट लिखा, तो यहाँ पर देखिए आप वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉलम आ गया, देखिए। तो ये जो भी कोडिंग आपने लिखी है यहाँ पर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये इसके लिए कोडिंग है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म में क्या होता है, इसके साइड में यहाँ पर आपको लिखा होता है नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये नेम। ठीक है, और इसके बाद सेव करते हैं। तो देखिए ये जो कॉलम यहाँ पे, जो आपको ये फॉर्म दिख रहा है, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे डाल लो, इसके जस्ट यहाँ पर आपको नेम लिखा हो जाएगा। मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो देखिए मेरा नेम आ गया। अब यहाँ पर आप जो कुछ भी नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट डाल देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर आ गया, ये हो गया फर्स्ट नेम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल सा लिखते हैं सेकेंड लास्ट नेम। ठीक है, ये लास्ट नेम डाल दें, और यहाँ पर सेम लिख दें इनपुट टाइप इक्वल टू, क्योंकि हमें टेक्स्ट ही चाहिए सेकेंड वाला भी, तो हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ और उसके बाद रीलोड करता हूँ, तो देखिए ये जस्ट इसके आगे आ गया। ठीक है, आप चाहते हो इसके जस्ट नीचे आए, मतलब ये जो लास्ट नेम है
ये जस्ट इसके नीचे आए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर एक बी आर टैग लगाना होगा। देखिए तो इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा एक बी आर टैग लगाना होगा। तो ये हमने बी आर मतलब ब्रेक करना, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टैग पहले यहाँ शो हो रहा था, ये वाला जो है लास्ट नेम, ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से लाइन टूट जाएगी, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। देखिए मैं रीलोड करता हूँ, तो देखिए इसके जस्ट नीचे आ गया। अगर आप चाहते हो इसी के आ गया है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर ये ऐसे कर देना, सेव कर देना है, बी आर टैग हटा देना है। बी आर यानी ब्रेक करने के लिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर सारा जो फंडा होता है वो बेसिकली टैग का ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, ये आपको पासवर्ड एंटर करवाना है, ठीक है। चलो इतना कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं पासवर्ड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल से लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू, ये लिख के यहाँ पर लिखोगे पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड टाइप, और ये मैंने बंद कर दिया। और इसे यहाँ पर क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखना, बस जो मेन टैग होता है, फॉर्म टैग होता है, उसको ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो एक नेक्स्ट नीचे, इसके नीचे नहीं इसके आगे होगा, तो यहाँ पर हम सिंपल सा बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पासवर्ड वाला जो ये लाइन है, कॉलम है, ये जस्ट इसके नीचे आ जाए, इसके आगे ना आए, ठीक है। तो हमने ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसे सिंपल सा रीलोड करते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको सेव करना है और रीलोड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पासवर्ड का आ जाएगा। देखिए पासवर्ड का आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम में हम एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको आसानी से लिखा हुआ, जो भी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड में ऐसा सीन नहीं है, पासवर्ड हमेशा आपको देखा आपने ब्लैक ब्लैक डॉट में होता, तो यहाँ पर आप जो कुछ भी एंटर करोगे देखो ब्लैक डॉट में आएगा। ये भी कितना आसान है आपने देखा ही, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगर आपको इसी तरह किसी दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर आप दूसरा टेक्स्ट बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर एंटर करवाना है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख दो फ़ोन नंबर, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल वही टैग ले लो इनपुट टाइप इक्वल टू, फोन नंबर भी टेक्स्ट में ही होता है, तो हम टेक्स्ट में ले लेते हैं ये टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट मतलब नंबर भी टेक्स्ट में ही काउंट होगा यहाँ पर, और इसे हम सिंपल से ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फ़ोन नंबर आ गया। अब ये इसके आगे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बी आर टैग नहीं डाला, तो यहाँ पर हम बी आर टैग डालेंगे, देखो, ठीक है, सॉरी, ये हमने बी आर डाल के ये डाल दिया और फिर सेव कर दिया। तो ये जो फ़ोन नंबर है जस्ट इसके नीचे आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आपको ये करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर एंटर करना चाहते हो वो भी आप एंटर कर सकते हो, देखो ऐसे कुछ। अब आपने यहाँ पर ये फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया, लास्ट नेम पासवर्ड भी ऐड करना सीख गए हैं। अब आपको यहाँ पर एक रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, मतलब आपने एक जेंडर कैटेगरी डाला है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर आपको रेडियो बटन के लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा रेडियो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम लिखना होगा, नेम में यहाँ पर आपको जेंडर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल सा इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर दोबारा से इसे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है, और ये नेम इक्वल टू जेंडर, और उसके बाद मान लीजिए ये जो पहला टाइप है ये है बेसिकली मेल के लिए, और दूसरा जो है ये है फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी नेम आपने यहाँ पे डाला है, इसमें जो भी जेंडर डाला है, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वही सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तभी ये दोनों मैच करेंगे और दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देते हैं इसके ऊपर जस्ट, चलो यहीं पर लिख देते हैं सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम सिंपल सा इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल सा इसे यहाँ पर रीलोड कर लेते हैं, तो देखिए रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा, देखिए सिलेक्ट जेंडर। तो ये जो सिलेक्ट जेंडर लिखा उसके आगे ये जो कोड लिखा ये यहाँ पर ये बटन क्रिएट हो गया, और उसके आगे यहाँ पर ये मेल आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पर ये रेडियो बटन आएगा, और उसके आगे यहाँ पर फीमेल होगा, देखिए ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप दोनों में से मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता तो ये ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए,
तो देखिए अनसेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन बनाने हैं तो वो आप यहाँ पर तीन चार ऑप्शन बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, लेकिन सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये चार ऑप्शन बना दिए यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ भी, ये ए ए ए, और यहाँ पर ये मैंने दूसरा लिख दिया। सॉरी यहाँ पर आपको ये जो नेम है ये सबका सेम ही रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तभी ये एक दूसरे से मैच होंगे। सॉरी ये मैंने जेंडर सेम रख दिया, और यहाँ पर मैंने इनका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर ए ए ए, और यहाँ पर मैंने इनका नाम रख दिया बी बी बी। अब यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, देखिए ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे सिंपल सेव करता हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे हमेशा जो नेम है ये सब में सेम होना चाहिए, तभी ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो ये चार ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर चारों में से आप सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म में रेडियो बटन बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सबमिट बटन। जी हाँ, आपने देखा होगा कई सारे फॉर्म में वहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन ज़रूर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप सबमिट बटन भी बहुत आसानी से HTML में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग लिखना होगा बटन, जी हाँ बटन लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन टैग है, उसका टाइप लिख के यहाँ पर आपको सिंपल सा सबमिट लिखना होगा, ये हमने सबमिट लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है, ये हमने वैल्यू दे दी, मतलब आपको क्या नाम देना है इस बटन का, तो यहाँ पर हम सबमिट लिख देते हैं, ये हमने सबमिट लिख दिया। और उसके बाद सिंपल सा इसे यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद इसका जो क्लोज टैग है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, ये हमने दे दिया क्लोज टैग बटन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम ये लिख देते हैं सिंपल सा इसके बीच में सबमिट, SUBMIT सबमिट लिख दिया, और इसे हम सिंपल सा सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इसमें सबमिट में चला गया, और ये टाइप है ये है मतलब एक सबमिट बटन है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा वो बेसिकली यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं सबमिट SUB सबमिट फॉर्म, ये आपने लिखा और सिंपल सा आपने यहाँ पर इसे सेव कर दिया, तो देखिए यहाँ पर सबमिट फॉर्म आ जाएगा। देखिए तो इसे हम यहाँ पर जस्ट नीचे की साइड लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल सा BR टैग डाल देते हैं नीचे लाने के लिए, ये हमने डाल दिया, तो ये नीचे आ जाएगा जस्ट इसके। देखिए ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि है प्लेसहोल्डर। जी हाँ, आपने देखा होगा कई सारे नाम के आगे यहाँ पर हल्का सा लाइट कलर में लिखा होता है एंटर योर नेम, तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। देखिए प्लेस होल्डर जहाँ पे आप लिखोगे डबल कोट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एंटर योर नेम, तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप सेव कर दोगे तो हमने ये लिखा फर्स्ट नेम के आगे मतलब इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें एक लाइट कलर में लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम। देखिए मैं सिंपल सा रीलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये लाइट कलर में आ गया एंटर योर नेम, तो यहाँ पर जैसे हम टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप हर जगह पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पासवर्ड में लिखना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा टाइप करोगे प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल कोट में यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, और ये लिख के यहाँ पर आप सिंपल सा इसे सेव कर दोगे। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होंगी, ये एट्रीब्यूट्स याद रखने होंगे, तो देखिए यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड आ गया। तो इस तरह आप हर जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप यहाँ पर HTML की मदद से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, नेम एंटर करवा सकते हो, पासवर्ड डलवा सकते हो, एक रेडियो बटन बना सकते हो, सबमिट बटन बना सकते हो, और प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो। आपने देखा कितना आसान है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म में और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कई सारे टैग होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये एक सिंपल है जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप उन सारे प्रॉपर्टीज के जो भी फॉर्म के बचे हुए हैं, जो टैग्स बचे हुए हैं, जो एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं, उन सभी को आप पढ़ोगे एक बार, उन्हें ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। बस यहां पर मेरा जो मोटो था वो था आप लोगों को ये बताना कि कैसे फॉर्म क्रिएट होता है।
इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा कि जो कुछ भी आपने डिज़ाइन करा, जो कुछ भी आपने फॉर्म बनाया, जो कुछ भी आपने पेज बनाया, वो सब आपको एक सादा सादा दिख रहा था। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए, कलर डालने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है CSS। जी हाँ, अब आप बोलोगे ये CSS क्या है? तो CSS का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। वेल, इसकी मदद से आप अपने वेब पेजेस को डेकोरेट करना चाहते हो, स्टाइलिश बनाना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, उसमें कलरफुल ऐड करना चाहते हो और भी कई सारी चीज़ें, मतलब एक सिंपल से वेब पेज को यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव स्टाइलिश पेज बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सब आप बहुत आसानी से CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSS को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज़ जान लेते हैं, जिसके बाद आपको बहुत आसानी से जो CSS है वो समझ आ जाएगा, उसके बाद आप अपने जो भी वेब पेजेस है उसे और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो। देखो यहाँ पे CSS में आपको कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जब अगर आपके पास एक किताब है HTML की आपके स्कूल या कॉलेज की, तो वहाँ पर आप CSS पढ़ना, वहाँ पर आपको कई सारी और चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, इटैलिक या बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको फॉन्ट लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इटैलिक बोल्ड लिखना होगा, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं और उन सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ यहाँ पर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं आपको CSS को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि ये इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हो और इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है, वो आपको खुद से याद करना होगा, जो आपको किताबों में या फिर इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा। तो यहां पर एक एक करके आइए जान लेते हैं इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो CSS आता है वो है इनलाइन CSS। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, इनलाइन मतलब कि अगर आपको उसी लाइन के अंदर यानी उसी टैग के अंदर, उसी एट्रीब्यूट के अंदर अगर आपको CSS यानी कि स्टाइल अप्लाई करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, उसमें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर आप इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, मतलब कि मान लीजिए आपके एक पेज में कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, कई सारे हेडिंग्स हो सकते हैं, कई सारे टेबल्स हो सकते हैं, कई सारे इमेजेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक सिंगल से पैराग्राफ में, कई सारे पैराग्राफ में, सिर्फ एक उसी सिंगल से पैराग्राफ में उसे आपको डिज़ाइन करना है, डेकोरेट करना है, एक अलग तरीके से दिखाना है बाकियों से, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट में, मतलब एक सिलेक्टेड एलिमेंट में, जिस भी सिलेक्टेड एलिमेंट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें अगर आपको CSS अप्लाई करना है, स्टाइल कलर करना है, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आप इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं आखिर में कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो भी डाउट है इनलाइन CSS को लेके वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम समझेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमने पहले से फॉर्म क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को सिंपली यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ करते हैं, हेलो माई नेम इज़ मनोज सरू, ठीक है, और यहाँ पर ये पी लिख दिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पैराग्राफ को, यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, मैं तो सिंपल इसे यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ, ये हमने, ठीक है, ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 पैराग्राफ है। अब यहाँ पर आपको इन 5 पैराग्राफ में से सिर्फ एक पैराग्राफ पे CSS अप्लाई करना है, यानी स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे अप्लाई करना है, बाकी जो सेम दिख रहे हैं उन्हें आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको शो करना है। तो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करोगे, चलो मैं पहले से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है सिंपल से दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर जो सेकंड वाला ये वाला जो पैराग्राफ है इस पर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, बाकी सब सेम दिखे, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर जो इनलाइन CSS है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल से लिखना होगा स्टाइल, जी हाँ ये एक स्टाइल है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर आप कलर लिखोगे और यहाँ पर आपको
ये कॉलन लगाना होगा, ठीक है। हमेशा याद रखें, प्रॉपर्टीज़ आप इस तरह से लगाते हो जब आप यहाँ पर जो भी CSS के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी टैग्स है, वो पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप कलर लिखोगे, फिर कॉलन लिख के यहाँ पर आपको रेड कलर करना है तो आप रेड लिख दोगे और सिंपल सा इसे क्लोज कर दोगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दोगे। देखो इस तरह से ये अप्लाई किया जाता है, ये बात हमेशा से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे लाइन में जो CSS है वो अप्लाई हो चुका है। देखिए स्टाइल लिख के यहाँ पर आपको सिंपल सा इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर कॉलन लिखना है तो वो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सिंपल सा सेव कर देता हूँ। देखिए ये जो है वो सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा तो देखना इसका जो कलर होगा सेकेंड वाले का वो रेड हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये रेड हो गया। तो इस तरह से आप CSS को जो है इनलाइन CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कितना आसान है इनलाइन CSS। जी हाँ, इसकी मदद से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या फिर किसी सिंगल एलिमेंट पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ये सब आप आसानी से इनलाइन CSS की मदद से यूज़ कर सकते हो। और हमेशा जब भी आपको किसी एक सिंगल एलिमेंट पे, सिंगल टैग पे जो भी स्टाइल है अप्लाई करना है तो ऐसे कंडीशन में आप इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इंटरनल CSS। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी कि जो भी पेज है उसके अंदर जितने भी टैग हैं उन सभी में आपको सेम जो स्टाइल है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास 6 के 6 जो पैराग्राफ पड़े हैं उन सभी 6 के 6 पैराग्राफ में आपको जो स्टाइल है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप उन सभी के 6 के 6 में अगर आप एक एक करके स्टाइल अप्लाई करोगे तो आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा चाहते हो एक सिंपल सा कोड लिख दो, ठीक है, हेड टैग के अंदर स्टाइल डिक्लेयर करके और उसके बाद जितने भी वो पैराग्राफ है, जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं या फिर कह लो हेडिंग टैग के लिए जितने भी हेडिंग है उन सभी में सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए जो भी आपने अप्लाई करा है। मतलब आपने मान लीजिए आपके 6 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है और आपने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल को डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी पैराग्राफ है उन सभी में ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसे सिंपल से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अभी आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर ये जो 5 जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं, ये 5 पैराग्राफ है, इनका जो कलर है वो सेम है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे 5ों में सेम कलर लगाना है तो मैं यहाँ पर एक एक करके कोडिंग करूँगा, इनमें जाके यहाँ पर इनलाइन CSS अप्लाई करूँगा तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं एक सिंपल सा कोड लिखूँ जिससे इन सभी में ऑटोमेटिकली जो कलर है, जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल CSS को अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भी इंटरनल CSS का जो भी कोडिंग है, स्टाइल का जो भी कोडिंग है, वो बेसिकली आपको हेड टैग के अंदर लिखना होगा। और मैंने आपको बताया था कि हेड टैग एक कंटेनर है जहाँ पर आप कई सारे टैग को डाल सकते हो और उसके बाद उसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हो गया टाइटल, CSS हो गया और साथ में यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो वो सब आप यहाँ पर हेड टैग के अंदर कर सकते हो। तो यहां पर आपको सिंपल सा जो भी इंटरनल स्टाइल शीट होगा उसकी जो कोडिंग होगी वो आपको हेड टैग के अंदर करना होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर आपको सिंपल सा लेना होगा स्टाइल टैग। जी हां, यहां पर आपको टैग लेना होगा स्टाइल का, ठीक है। आपको इनलाइन में नहीं लेना पड़ता था लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनल में लेना पड़ेगा। अब हम इसे उसके बाद यहाँ पर आप जो कुछ भी कोडिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इन सभी पैराग्राफ में जो कलर है, जो स्टाइल है वो अप्लाई करना होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पर एक पी लिख देना है पैराग्राफ, मतलब जो भी इनका ये जो भी है नाम पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देना है, ठीक है, ये 2 कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है, जो भी स्टाइल लगाना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा कलर लिख दोगे, कॉलन लगा दोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बस लिखना होगा जो भी कलर है। फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर लगाना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा रेड कलर लगा सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ये सेमी कॉलन लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक छोटे से कोड की वजह से, यानी इतने छोटे से कोड की वजह से देखिए इन सभी में जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा।
तो देखिए सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई दूसरा पैराग्राफ भी ऐड करता हूँ, देखिए ये कुछ भी ऐसे टाइप करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने, तो इसमें भी जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए ये भी रेड कलर का ही होगा, देखिए। तो इस तरह से जितने भी पैराग्राफ है उन सभी में रेड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपको हेडिंग में ऐड करना है, देखिए यहाँ पर दो दो हेडिंग है, H1 हेडिंग ये है, ये भी H1 हेडिंग है, और यहाँ पर ये H2 हेडिंग है। तो यहाँ पर आप चाहते हो H1 जितने भी हेडिंग है सब में कलर चेंज हो जाए, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर लिखना है H1, उसके बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, उसके बाद यहाँ पर कलर लिख के उसका जो भी यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इसका कलर करना है ब्लू, ब्लू नहीं हम ग्रीन कर देते हैं, ये हमने ग्रीन कर दिया और ये लगा दिया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और सिंपल सा हमने इसे सेव कर दिया। तो जितने भी H1, ये H1 है और ये H1 है, तो ये जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कलर है वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, फॉन्ट हो गया, जो भी स्टाइल हो गया, जो भी आपको डेकोरेट करना है, वो जब आप किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, तो वो सब आप यहाँ पर ऐसे स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये इंटरनल CSS अप्लाई करना। तो यहाँ पर अब आपको इनलाइन CSS भी आ गया, इसका पता चल गया क्या यूज़ है, इंटरनल CSS भी आपको पता चल गया, इनलाइन CSS आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा इंटरनल CSS अगर आपको एक वेब पेज में जितने भी वो एलिमेंट है, जैसे पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है उन सभी में आप अगर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट CSS आता है वो है एक्सटर्नल CSS। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा। यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, आप देखिए एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, आप कोई एक दो वेब पेजेस तो नहीं होते, वहाँ पे कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक सिंगल पेज के लिए तो सिंपल सा इंटरनल यूज़ कर लोगे या फिर इनलाइन यूज़ कर लोगे यहाँ पर, लेकिन अगर आपको सेम वही स्टाइल जितने भी एक्सटर्नल वेब पेजेस है, जितने भी वेब पेजेस है आपके वेबसाइट में, उन सभी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पेजेस है, अब 10 पेजेस के सब पेजेस में अगर आप मान लो पहले पेज में जाओगे वहाँ पर इंटरनल CSS अप्लाई कर दोगे, ठीक है, उसके बाद सेम वही कोडिंग आपको दूसरे में अप्लाई करना होगा, तो आपको वही कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा जो कॉपी पेस्ट कोड होता है। सेम इसी तरह आपको तीसरे में अप्लाई करना होगा, तो आपको तीसरे के लिए कोड लिखना पड़ेगा सेम या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कोड होता है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इन सभी चीज़ों से, इन सभी झंझट से बचने के लिए यहाँ पर आप सिंपल सा एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको अलग से एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनानी होगी जिसका एक्सटेंशन होगा .css। जी हाँ, जिस तरह से आप HTML फाइल बना रहे हो सेम इसी तरह यहाँ पर आपको CSS अप्लाई करने के लिए एक CSS फाइल बनानी होगी, जो कि टेक्स्ट फाइल से ही आप बना सकते हैं, और उसके बाद इसमें जो भी स्टाइल लगा हुआ है, इसमें जो भी डिज़ाइन किया गया है, इसमें जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की गई है, उन सभी को आप इन सभी से अटैच करना चाहते हो, तो बस आपको एक छोटा सा लिंक डालना होगा हेड टैग में, और उसके बाद छोटा सा कोड लिखना होगा हेड टैग में, और उसके बाद जो भी कोडिंग है वो सारा का सारा, जो भी स्टाइलिश है वो सारा का सारा जो स्टाइल है वो बेसिकली जितने भी आपके वेब ब्राउज़र में जो भी एलिमेंट है उन सभी में अप्लाई हो जाएगा, मतलब जिस के लिए वो कोडिंग लिख रखा है वो सभी में वो अप्लाई हो जाएगा बहुत आसानी से। आई होप आपको एक्सटर्नल CSS समझ आ गया होगा। तो चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, तब आपके सारे जो डाउट्स है एक्सटर्नल CSS को लेके वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर इंटरनल स्टाइल अप्लाई है, तो यहाँ पर मैं इन सभी को हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इन सभी को, ये स्टाइल टैग को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी तरह का कलर नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल सादा है। अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक और नए नोटपैड को ओपन करना होगा। देखिए यहाँ पर हम नोटपैड ओपन कर लिया हमने, और उसके बाद यहाँ पर आपको अलग से एक CSS फाइल बनानी होगी। अब यहाँ पर CSS फाइल कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टाइल लिखना होगा। तो स्टाइल क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जितने भी पैराग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में जो भी कलर है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल सा जिस तरह से आपने इंटरनल स्टाइल में कोडिंग लिखी थी इंटरनल CSS में, सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको वही कोडिंग लिखनी है। जैसे कि आपको कलर चेंज करना है, कलर आपने यहाँ पर डाल दी ग्रीन, ठीक है, ये एक कोड हो गया, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा जितने भी पैराग्राफ है P।
नेक्स्ट हम डालते हैं बॉडी, मान लो चलो बॉडी टैग में हम कुछ कलर चेंजेस करते हैं, तो इसमें हमने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पर ये हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर लिख के ये हमने यहाँ पर इसका कलर डाल दिया। हम कलर डालते हैं सिंपल सा डाल देते हैं पिंक, चलो ब्लू डाल देते हैं, ये हमने ब्लू डाल दिया कलर, और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सा सेमी कॉलर लगा के इसे बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हेड टैग है, तो हेड टैग के लिए H1 टैग में हम एक और कलर डाल देते हैं, यहाँ पर कलर इक्वल टू यहाँ पर हम डाल देते हैं येल्लो, ठीक है। ये अलग से हम एक स्टाइल शीट बना रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर आपने जिस तरह से इंटरनल स्टाइल शीट में जो कोडिंग लिखते हैं सेम ऐसे ही सेम कोडिंग आपको यहाँ पर भी वैसे ही लिखनी ही है, बस आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना होगा, सेव कैसे करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव ऐसे पे क्लिक करना है, और उसके बाद जहाँ पर भी आपका जो फाइल है डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है नाम देते वक्त, यहाँ पर आपको नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्टाइल का, चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ S1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशन डालना होगा .css, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .css, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करके सिंपली इसे सेव कर लेना है। तो हमारा ये जो फाइल है वो एक स्टाइल शीट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा स्टाइल शीट, ये रहा हमारा HTML का फाइल, और ये रहा स्टाइल। अब हमें इस ये जो फाइल है वो बेसिकली इससे लिंक करना होगा, ठीक है। तो लिंक करने के लिए हमें इसकी कोडिंग को ओपन करना होगा, तो यहाँ पर इसकी कोडिंग को ओपन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिंपल से यहाँ पर इसे ओपन विथ नोट पैड पर क्लिक करेंगे, तो जो इसकी कोडिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसे लिंक करना, ये भी जो भी स्टाइल शीट है वो हमें यहाँ पर लिंक करना होगा, तभी जो ये स्टाइल है वो अप्लाई होगा। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा कोड डालना होगा, L ये एंगल ब्रैकेट में लिंक, और उसके बाद REL मतलब रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए, REL लिख के यहाँ पर STY स्टाइल शीट, ये आपको लिखना है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट, ये आपको लिखना है, रिलेशन स्टाइल शीट है मतलब स्टाइल शीट है यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको href लिखना है, href मतलब जो आपका स्टाइल शीट है, ये वाला जो स्टाइल शीट है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अगर ये सेम फोल्डर में है, सेम लोकेशन में है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको बस इसका नाम दे देना है S1 लिख के .css, ठीक है। और उसके बाद ये बंद कर दिया, और ये हमने इसको बंद कर दिया, और उसके बाद हम सिंपल सेव पे क्लिक करते हैं। तो ये जो CSS है हमारा इस पेज से, इस एक सिंगल पेज से अप्लाई हो गया। तो हमने जो कुछ भी कोडिंग डाली है, देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कोडिंग भी दिखा देता हूँ, देखिए ये जो कोडिंग डाली है हमने यहाँ पर, पी कलर यानी जितने भी पैराग्राफ कलर है उसका कलर ग्रीन हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, और जितने भी जो कलर है वो हेडिंग टैग है उनका जो कलर है वो येल्लो हो जाए, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसे हमने, ये जो पेज था इसे हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, ये लिंक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसे सेव करते हैं, और उसके बाद इस पेज को ओपन करते हैं क्योंकि हमने इससे लिंक करा, देखिए तो हमने इससे लिंक करा, तो देखिए यहाँ पर ये जो सबका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है, और इसका जो कलर है वो येल्लो हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं CSS में दिखाता हूँ, देखिए CSS में पैराग्राफ का जो कलर था वो ग्रीन सबका, और बॉडी कलर जो था वो ब्लू कर दिया हमने बैकग्राउंड में, देखिए सारा जो बॉडी कलर है वो ब्लू हो गया, और हेडवन का जो टैग था वो बेसिकली था येल्लो, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये येल्लो है। तो इस तरह से दोस्तों आप CSS अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको एक अलग से स्टाइल शीट बनानी होगी, ये स्टाइल शीट बना दिया, और उसे सिंपल सा जिस भी पेज में आपको लिंक कराना है, जिस भी पेज में अप्लाई करना है उसमें आपको सिंपल सा लिंक कर देना है। तो यहाँ पर आपने देखा एक्सटर्नल CSS को भी कितना आसान है, यहाँ पर आपको अलग से एक CSS फाइल बनानी होगी जिसका डॉट एक्सटेंशन CSS देना होगा, और उसे सिंपल सा जिस भी पेज में उस CSS को अप्लाई करना है वहाँ पर सिंपल सा लिंक टैग की मदद से वहाँ पर उसे लिंक कर दो, और उसके बाद वो पूरे वेब पेज में जो भी आपने कोडिंग करे हैं वो
अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनलाइन सीएसएस भी आपको आ गया, इंटरनल भी आपको पता चल गया इसका क्या यूज़ है, और एक्सटर्नल सीएसएस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्या यूज़ है ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर सीएसएस में बस यही तीन मेन इंपॉर्टेंट सीएसएस फाइल होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपको फॉन्ट चेंज करना हो, कई सारे कलर चेंज करने हो, स्टाइल करना हो, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको किताबों में पढ़नी होगी, एक पूरे वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है जो भी बेसिक चीज़ें हैं कि आखिर में आप सीएसएस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे, उसे याद करोगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत आसानी से आप और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पेज बनाना भी सिखा दिया, फॉर्म बनाना भी सिखा दिया, मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखा दिया, मैंने आपको सीएसएस अप्लाई करना भी सिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर कई सारे और भी चीज़ें आती हैं एचटीएमएल में, जैसे एनिमेशन हो गया, ग्राफिक हो गया, और भी कई सारी जो बहुत आगे लेवल की है वो भी आपको आनी चाहिए। लेकिन ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो एक बिगिनर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए HTML सीखते वक्त, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से CSS अप्लाई करते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरह से फॉर्म बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स बता दी। अब आप जब किताब में पढ़ोगे या फिर कोई किताब लोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने आपको बस बेसिक्स बताए हैं, शुरुआत में कहते हैं ना, आपको बस शुरुआत में पता होना चाहिए कि यार काम कैसे करता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके कॉलेज की बुक है वो पढ़ सकते हो, स्कूल की बुक है वो पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप अलग से कोई सा भी एक HTML की बुक खरीद सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं 2-3 HTML बुक के नाम डालूँगा, आप कोई सा भी खरीद के उसमें से पढ़ सकते हो और फुली जो HTML है वो सीख सकते हो। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ्री में सीखो, इंटरनेट में आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, बस गूगल में जाके सर्च करो HTML लर्न वेबसाइट, आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बेसिक्स बता दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, वाकई में आपने कुछ सीखा HTML में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार, आप लाइक नहीं करते यार, पता नहीं चल पाता। और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने वाकई में HTML सीखा मुझसे कुछ, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी HTML आपकी क्लासमेट है उन सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, हो सकता है यार उन्हें भी मदद मिल जाए और वो भी HTML अच्छा खासा सीख जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।